हेलो एवरीवन, टीसीपी पे ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं। मैंने आपको बताया था कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है टीसीपी में। ठीक है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इन टीसीपी, ये टॉपिक हम लोग अपने आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखो भाई, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए टीसीपी थ्री वे हैंडशेकिंग का यूज करता है। ठीक है, थ्री वे हैंडशेकिंग क्या है आप रफली समझ सकते हो। थ्री वे हैंडशेकिंग इज जस्ट लाइक थ्री स्टेप्स। ठीक है, तीन स्टेप फॉलो किए जाएंगे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इन तीनों स्टेप में हर एक स्टेप में एक एक पैकेट एक्सचेंज होगा। ठीक है, यू कैन से एक एक पैकेट सेंड किया जाएगा। तो हम सिंपलिसिटी के लिए क्लाइंट सर्वर मॉडल एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे सपोज कर लो ये हमारा क्लाइंट साइड हो गया, ये सर्वर साइड हो गया, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग मान के चलेंगे। और थ्री वे हैंडशेकिंग मतलब क्या बताया मैंने, तीन स्टेप फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, और हर एक स्टेप में एक एक पैकेट सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ देता हूँ आपके लिए। वी कैन थिंक ऑफ थ्री वे हैंडशेकिंग एज थ्री स्टेप्स ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड इन ईच स्टेप वन पैकेट इज सेंड। ठीक है, ओके, तो वी विल कंसिडर क्लाइंट सर्वर मॉडल टू एक्सप्लेन थ्री वे हैंडशेकिंग। हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरनेट में यही चलता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करके आपको समझाएंगे। ठीक है जी, तो क्या होगा भाई थ्री वे हैंडशेकिंग या तीन स्टेप में? तो पहले तो ये समझो, तीन स्टेप है और तीन पैकेट है, तो कौन कौन से पैकेट है? सबसे पहले क्लाइंट से सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा। ठीक है, कि मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। सर्वर उसके लिए एक रिप्लाई पैकेट करेगा कि ठीक है, ओके, आप मेरे से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आई एम रेडी। और सर्वर भी बोलेगा कि मैं भी आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद क्लाइंट उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन पैकेट होंगे, एक रिक्वेस्ट पैकेट, एक रिप्लाई पैकेट और एक एसीके पैकेट, जिसकी हेल्प से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा। तीन स्टेप में काम हो रहा है, इसलिए हम इसको थ्री वे हैंडशेकिंग का नाम देंगे। बात समझ रहे हो? एक कहानी की हेल्प से समझाता हूँ, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्लाइंट कहता है सर्वर को कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एक आदमी कह रहा है दूसरे आदमी को कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तो ये आदमी कहता है ठीक है, मैं आपका जो आपने बात बोली है मैं उस बात का मान रखता हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे से रिश्ता बना रहे हो तो मैं भी आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। और जो आपने मेरे को बोला था कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, मैं उसकी एक्नॉलेजमेंट साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो रिप्लाई पैकेट होगा उसमें सर्वर अपना यू कैन से रिश्ता बनाने की बात भी करेगा और एक्नॉलेजमेंट भी करेगा। और फिर क्लाइंट साइड से एक एक्नॉलेजमेंट जाएगी जो बताएगी कि जो सर्वर से रिश्ता बनाने की रिक्वेस्ट आई थी क्लाइंट को, वो क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर ली है। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब है एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लोग ना बहुत ज्यादा यू कैन से मैनर्स वाले और बड़े अच्छे और बड़े ब्यूटीफुल किस्म के लोग हैं। तो ये पहले बोलता है कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, तो सर्वर रिक्वेस्ट पैकेट के थ्रू क्लाइंट क्या बोल रहा है सर्वर को कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। और सर्वर फिर क्या कहता है कि ओके, मेरे को आपकी रिक्वेस्ट मिल चुकी है और मैं उसको मंजूर कर रहा हूँ, मतलब वो एसीके कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ एसीके के साथ साथ वो ये भी कहता है कि क्योंकि आपने मुझे बोला था, आपने मुझे ऑफर किया कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, तो सर्वर कहेगा ठीक है मैं भी आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तो ये है जी रिप्लाई पैकेट। तो रिप्लाई पैकेट में एक तो सर्वर ने अपने रिश्ते बनाने की बात बोली है और साथ साथ एक्नॉलेजमेंट करी है रिक्वेस्ट पैकेट की। अच्छा, उसके बाद अब क्योंकि सर्वर ने क्लाइंट को बोला रिश्ता बनाने के लिए, तो क्लाइंट को फिर एक्नॉलेजमेंट करना है ना इस चीज को। क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है आपने मुझसे बोला है कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपके ऑफर को भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। समझ गए? तो ये बहुत शरीफ लोग हैं और बहुत ज्यादा ईमानदार और बहुत यू कैन से अच्छे और ब्यूटीफुल किस्म के लोग हैं। तो हर एक बात को ये एक्नॉलेजमेंट साथ करते हैं। तो पहले बड़े प्यार से बोलता है कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, और फिर सर्वर बोलता है कि ठीक है आप मेरे से रिश्ता बनाना चाहते हो तो मैं आपकी बात को एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं भी आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। अब क्योंकि सर्वर ने बोला है क्लाइंट को कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, तो क्लाइंट को फिर हाँ बोलनी है ना, तो इसलिए इसने हाँ बोला, इसने एक्सेप्ट करा है, तो इसलिए एक एक्नॉलेजमेंट करेगा। ठीक है जी, तो तीन पैकेट जाएंगे भाई, एक होगा रिक्वेस्ट पैकेट, एक होगा रिप्लाई पैकेट और एक होगा एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ठीक है, रिक्वेस्ट पैकेट में क्लाइंट ने सर्वर से रिश्ता बनाने की बात बोली है। रिप्लाई पैकेट में दो बातें करी गई हैं, एक तो सर्वर ने जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी थी सर्वर को रिश्ता बनाने वाली बात के लिए, सर्वर ने उसको एक्नॉलेज किया है, मतलब उसने हाँ भरी है, और साथ साथ सर्वर ने भी रिश्ता बनाने की बात कर दी क्लाइंट के साथ। और फिर क्लाइंट ने जो सर्वर ने बोला था क्लाइंट को कि रिश्ता बनाने वाली बात के लिए,
उसके एक्नॉलेजमेंट करिए क्लाइंट ने थर्ड पैकेट में, दैट इज एक्नॉलेजमेंट पैकेट, क्योंकि हाँ तो भरनी पड़ेगी ना, जब तक हाँ नहीं भरोगे तब तक काम कैसे चलेगा भाई, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अब ये नॉन टेक्निकल वे में मैंने आपको समझा दिया, अब टेक्निकल वे में हम लोग घुसेंगे और डाइव इन डीप करेंगे, एक एक बात को समझेंगे कि रिक्वेस्ट पैकेट में क्या होता है, रिप्लाई पैकेट में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट में क्या होता है एंड सो ऑन। और वैसे थोड़ा और अच्छे से टेक्निकली बोलूं तो ये सब क्या हो रहा है एक्चुअली, देखो जो हमारा टीसीपी है वो फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है, ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है। फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है तो मतलब अगर क्लाइंट सर्वर से कनेक्शन बनाएगा तो मतलब क्लाइंट सर्वर को डेटा सेंड करना चाहता है, तो ऑब्वियस बात है सर्वर भी तो क्लाइंट को डेटा सेंड करना चाहता है, तो इसलिए फिर रिप्लाई पैकेट में सर्वर ने भी बोला कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, और साथ साथ तो उसने पुराने रिक्वेस्ट पैकेट की एक्नॉलेजमेंट करी एंड सो ऑन। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे, ठीक है जी। तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये तीन स्टेप हो गए ना, स्टेप नंबर वन ये हो गया जी, स्टेप नंबर टू और ये हो गया जी स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर वन में रिक्वेस्ट पैकेट गया, स्टेप नंबर टू में रिप्लाई पैकेट आया है, और स्टेप नंबर थ्री में एक्नॉलेजमेंट पैकेट गया है। तो हर एक स्टेप में एक एक पैकेट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो ये तो हो गया बिल्कुल नॉन टेक्निकल वे, अब हम लोग डाइव इन डीप करेंगे और चीजों को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो भाई एक नया स्लाइड ले लेते हैं और उसमें मैं आपको चीजें समझाता हूँ, रादर बेटर तो ये रहेगा कि मैंने नोट्स पहले आपके लिए अच्छे से बना रखे हैं, तो नोट्स को पढ़ते पढ़ते हम लोग साथ साथ सारे काम करते चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई रिक्वेस्ट पैकेट, सबसे पहला जो पैकेट था दैट वाज रिक्वेस्ट पैकेट, उसके बारे में देखो हमने क्या लिखा है, क्लाइंट इनिशिएट द कनेक्शन बट सर्वर डज नॉट। ऑब्वियसली बात है भाई, सर्वर को कनेक्शन बनाना चाहेगा, क्लाइंट ही बनाना चाहेगा ना, क्लाइंट को ही तो सर्वर से कुछ ना कुछ नीड है। देखो जिसको नीड होगी वही तो काम करेगा ना भाई, जिसको नीड ही नहीं है वो काम क्यों करे। वही बात है, सर्वर तो रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए बैठा हुआ है लोगों की, उसको खुद अपनी नीड तो है नहीं, तो क्लाइंट ही हमेशा इनिशिएट करेगा कनेक्शन को, सर्वर कभी इनिशिएट नहीं करेगा, सर्वर तो फुलफिल करना है रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, दैट मींस हमेशा क्लाइंट ही रिक्वेस्ट पैकेट करेगा, सर्वर कभी रिक्वेस्ट पैकेट नहीं भेजेगा, सिंपल बात है एकदम। तो यही हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा रिक्वेस्ट पैकेट के लिए, क्लाइंट इनिशिएट द कनेक्शन बट सर्वर डस नॉट, ठीक है। ओके जी, तो अब वही बात है, हम बनाते हैं इसको, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी काम में, ठीक है जी। चलो देखो जी, ये हो गया जी हमारा क्लाइंट साइड और ये हो गया जी हमारा सर्वर साइड, ठीक है। तो जो क्लाइंट है रिक्वेस्ट पैकेट बनाता है, तो मैंने आपको बताया था भाई टीसीपी हेडर हम पढ़ चुके हैं, तो हेडर में हमने एक फील्ड पढ़ी है, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, विंडो साइज एंड सो, उन सब का मैं अब आपको यूज दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो क्लाइंट ने इनिशिएट करना है कनेक्शन, तो रिक्वेस्ट पैकेट में क्या क्या जाएगा वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। तो क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे एक रिक्वेस्ट पैकेट जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें जाएंगे, सबसे पहली चीज तो हमारे को देखना पड़ेगा इसका सीक्वेंस नंबर। तो जो भी रिक्वेस्ट पैकेट जा रहा है उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा भाई, देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर्स बनाए हैं उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, इनिशियल सीक्वेंस नंबर मतलब एक रैंडम नंबर होता है जो कि क्लाइंट चूज कर लेगा और वहीं से ही वो उससे प्लस वन करके बाइट नंबर देना शुरू करता था। सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, मैं आपको बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, तो ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल सीक्वेंस नंबर जो कि एक रैंडम नंबर था जो कि क्लाइंट ने चूज किया, सपोज कर लेते हैं वो 1000 था, ठीक है जी। तो सीक्वेंस नंबर विल बी 1000 फॉर दिस पैकेट, जो भी रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा भाई, जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर क्लाइंट ने चूज किया होगा वही सीक्वेंस नंबर हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो इनिशियल सीक्वेंस नंबर मतलब वही रैंडम नंबर जो कि क्लाइंट चूज कर रहा है कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है जी। और वही बात है, अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं पहले पॉइंट पढ़ता हूँ, एकदम ऐसे बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, तो क्लाइंट चूजेस अ रैंडम नंबर इनिशियल सीक्वेंस नंबर से 1000 टू स्टार्ट द कनेक्शन, ठीक है जी। ओके, रिक्वेस्ट पैकेट कंटेन ओनली हेडर एंड नो डेटा एंड इन दिस हेडर सिन फ्लैग इज सेट टू 1, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो सिन फ्लैग को हम लोग सेट करके भेजेंगे, दैट मीन्स सिन फ्लैग 1 हो जाएगा। सिन क्या था भाई, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, याद आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं याद आ रहा तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिन फ्लैग क्या था भाई, सिंक्रोनाइज द सीक्वेंस नंबर, मैंने आपको बताया था ना कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में यूज होगा, तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए सिन फ्लैग को सेट करके भेजा जाएगा। तो जो भी रिक्वेस्ट पैकेट होगा उसमें सिन फ्लैग सेट होके जाएगा, ठीक है जी। सिन फ्लैग क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है सीक्वेंस नंबर को, ठीक है। या यू कैन से जो रैंडम नंबर चूज किया होगा क्लाइंट ने और एक सर्वर ने, तो वो एक दूसरे को बताने के लिए हम जब भी ये सब बता रहे होते हैं तो उस टाइम पे सिन फ्लैग सेट होता है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, क्लाइंट से जो पहला पैकेट चला रिक्वेस्ट पैकेट उसमें सीक्वेंस नंबर हमने 1000 कर लिया क्योंकि रैंडम नंबर क्लाइंट ने 1000 चूज किया था और सिन फ्लैग को हमने सेट कर दिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीक्वेंस नंबर ऑफ द रिक्वेस्ट पैकेट विल बी इक्वल टू आईएसएन दैट इज 1000। मैंने अभी आपको बता दिया सीक्वेंस नंबर हमने 1000 रखा हुआ था,
MSS, that is maximum segment size is 1460 by client in set to 1460 by client in option of request packet, because we assume Ethernet is used as DLL protocol. ये बात important है. तो MSS maximum segment size ये 1460 set करके client भेज रहा है. 1460 का मतलब क्या है, जो हमारे पास सर्वर है, जो क्लाइंट है, हम एज्यूम कर लेते हैं क्लाइंट जिस नेटवर्क का पार्ट है उसमें ईथरनेट यूज हो रहा है. और अगर ईथरनेट यूज हो रहा है, ईथरनेट किस पे था भाई, डेटा लिंक लेयर पे था, है ना. मैंने आपको बहुत बार समझाया भाई, सेगमेंट उड़ के नहीं जाएगी. सेगमेंट टीसीपी जब भी हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो उसको हम पैकेट को सेगमेंट कहते हैं. तो सेगमेंट उड़ के तो जाएगा नहीं. सेगमेंट किस में पैक होके जाएगा भाई, सेगमेंट अल्टीमेटली पैक होके जाएगा डेटाग्राम में, है ना. तो मतलब नेटवर्क लेयर अपना हेडर ऐड करेगी, जिसको हम लोग डेटाग्राम बोल देंगे. और उसके बाद फिर कोई बात है, डेटाग्राम भी उड़ के नहीं जाने वाला. इस डेटाग्राम को पैक किया जाएगा किसमें, फ्रेम में, हेडर और ट्रेलर ऐड करके. याद है ना, फ्रेम में दोनों चीजें होती हैं. तो डेटाग्राम को पैक करना है किसमें, यू कैन से ईथरनेट फ्रेम में. तो ईथरनेट हमने यूज किया, और आपको याद आ रहा होगा ईथरनेट का एमटीयू 1500 होता था. एमटीयू क्या होता है, एंड साउंड. प्लीज मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, आपको याद आ रहा होगा. क्योंकि ईथरनेट फ्रेम का मैक्सिमम साइज 1518 बाइट का होता था. 18 बाइट का ओवरहेड होता था, 1500 बाइट का ही डेटा मैक्सिमम कैरी कर सकता है ईथरनेट फ्रेम. तो 1500 बाइट का डेटा क्या होगा भाई, वो ऑब्वियस सी बात है, डेटाग्राम होगा, आईपी डेटाग्राम होगा, ठीक है जी. तो ये 1500 रख सकता है. अब क्योंकि 1500 यहाँ आ सकता है, तो यहाँ कितना आएगा जी, मैक्सिमम 1480, क्योंकि हेडर नेटवर्क मिनिमम 20 का होगा. और क्योंकि तो इसका मतलब क्या हुआ, 1480 की सेगमेंट होगी, 1480 की सेगमेंट होगी. और सेगमेंट में फिर डेटा कितने का होगा भाई, देखो सीधी सी बात है, सेगमेंट में हेडर है, हेडर टीसीपी आपको पता है मिनिमम कितने का था भाई, 20 बाइट का था, तो इसलिए 1460. तो सेगमेंट में मैक्सिमम डेटा कितना जा सकता है, 1460, वही होता है जी एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज. एमएसएस 1460 का मतलब क्या हुआ, सेगमेंट में मैक्सिमम डेटा कितना जा रहा है, ठीक है, दैट इज 1460. तो यही हमने 1460 ले लिया, ठीक है जी. तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1460 लेने का कारण क्या है, ये कारण है भाई सिर्फ और सिर्फ आपका ईथरनेट. क्योंकि तो अब देखो, अगर 1460 की सेगमेंट भेजोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सीधे सीधे 1460 की सेगमेंट जो होगी वो सीधे सीधे यू कैन से उसके आगे हेडर लग जाएगा और डेटाग्राम बन जाएगा. और डेटाग्राम बनने के बाद सीधा उसको हम लोग यू कैन से फ्रेम में पैक करके भेज सकते हैं. तो मतलब कोई सेगमेंटेशन, कोई फ्रेगमेंटेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुपचाप से हमारा डेटा जाएगा. तो इसलिए इसने पहले ही वार्निंग दे दी सर्वर को कि मैं 1460 से ऊपर का मतलब सेगमेंट साइज, सेगमेंट के अंदर डेटा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आपको उस हिसाब से सेगमेंट बना करके भेजने हैं, ठीक है जी. अच्छा, अब आपको ना दो बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है. पहली बात तो जो MSS है, नाम क्या है इसका, मैक्सिमम सेगमेंट साइज. नाम से कंफ्यूज मत होना भाई, मैक्सिमम सेगमेंट साइज का मतलब ये नहीं है कि सेगमेंट का साइज, इसका मतलब है सेगमेंट के अंदर डेटा कितना जा सकता है, मतलब हेडर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं. ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. एमएसएस नाम क्या है भाई, मैक्सिमम सेगमेंट साइज. लग रहा है कि सेगमेंट के साइज की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये बात हो रही है डेटा इनसाइड सेगमेंट की, ठीक है. जैसे हम एमटीयू की बात करते थे, मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट फॉर डीएलएल, है ना. हम ईथरनेट के बारे में बताते थे आपको, एमटीयू 1500 होता था, है ना. तो अब ये डेटा की बात होती थी, ये बात नहीं होती थी कि कितना बड़ा हम फ्रेम भेज सकते हैं, मतलब हेडर और ओवरहेड्स वगैरह हम हटा करके बात किया करते थे, ठीक है. तो बिल्कुल वही कहानी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस सब चीजों का, ओके. और वही बात है, डेटा बोले पेलोड बोले एक ही बात है. तो एमएसएस का मतलब क्या है, मैक्सिमम पेलोड विच कैन बी कैरीड इन द सेगमेंट. ऐसे ही एमटीयू 1500 बाइट्स होता था डेटा लिंक लेयर पे, जब हम इथरनेट फ्रेम यूज किया करते थे, मतलब इथरनेट प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज करते थे, तो एमटीयू 1500 बाइट का होता था. तो मतलब वही बात है कि इथरनेट फ्रेम के अंदर हम मैक्सिमम पेलोड कितना भेज सकते हैं या डेटा कितना भेज सकते हैं, ठीक है. हेडर ट्रेलर वो सब हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो सब ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है. तो डेटा कितना कैरी हो रहा है, सारी वही कहानी चल रही है, ध्यान रखना भाई. नाम थोड़ा सा अलग है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है जी. ये तो होगी जी पहली बात जो मैंने आपके साथ करनी थी. दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये जो एमएसएस वाली बात हम कर रहे हैं, एमएसएस 1460 जाएगा, आप एक बार जरा फ्रेम रिवाइज करना जो मैंने आपको बताया था, सॉरी ये हेडर जो बताया था मैंने आपको टीसीपी का. टीसीपी के हेडर में कहीं भी एमएसएस नाम की कोई फील्ड नहीं है, आप देख पा रहे होंगे. तो ये ऑप्शन से आती है,
ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और वैसे जब मैंने आपके सामने लाइंस पढ़ी थी तो आपको याद आ गया होगा, है ना, मैं एक बार फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये देखो MSS में मैंने बोला था ना, सेट टू 1460 बाय क्लाइंट इन ऑप्शंस, ये देखो मैंने बोला था ये बात, है ना, इन ऑप्शंस ऑफ रिक्वेस्ट पैकेट। ठीक है जी, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये जो MSS वाली बात है ये ऑप्शन से आ रही है, ये कोई फील्ड नहीं है हमारे पास TCP हेडर में। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो भाई, अच्छा ये प्लीज, ये मैं आपको टाइम दे दूंगा नोट डाउन करने का, है ना, इसमें परेशान मत होना, मैं आपको अच्छे से प्रॉपर टाइम दे दूंगा, ये सब आप आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, ओके जी, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमने देखो क्या लिखा है, 14600 बाइट्स बफर इज एलोकेटेड एट क्लाइंट साइड, सो विंडो साइज फील्ड विल कंटेन वैल्यू 14600। ठीक है जी, तो विंडो साइज फील्ड आपको याद आ रही होगी, हमने हेडर में पढ़ी थी, तो यहाँ पे साथ साथ विंडो साइज फील्ड के बारे में क्या कह रहे हैं, 14600 है। ठीक है, और क्या होती है विंडो साइज फील्ड, ये आई थिंक आप अपने आप से समझ गए होंगे, जो मैंने पॉइंट्स बहुत ध्यान से लिखे हैं, बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के पॉइंट्स लिखे हैं, इतने इजी लिखे हैं, इसलिए मैं इन पॉइंट्स को पढ़ रहा हूँ साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, चाहूँ तो मैं फ्री फ्लो में आपको पहले ढंग से समझा सकता हूँ फिर पॉइंट्स पढ़ूं, बट वही बात है, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठेगी, टीचिंग इज एन आर्ट। ठीक है, टीचिंग में हमारे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है किस सीक्वेंस में कब क्या पॉइंट बोलना है, टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द टीचिंग, तो आप चीजों को तभी समझ पाओगे जब मैं प्रॉपर टाइमिंग के साथ चीजों को बोलूंगा, और वही बात है इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दोबारा से पढ़ो, देखो 14600 बाइट बफर इज एलोकेटेड एट क्लाइंट साइड, सो विंडो साइज फील्ड विल कंटेन वैल्यू 14600। तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा आपको, विंडो साइज फील्ड क्या बता रही है भाई, कितना बफर एलोकेट किया गया है क्लाइंट साइड पे, या जितना भी बफर, देखो चाहे क्लाइंट हो चाहे सर्वर हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, जितना भी बफर एलोकेट किया जाएगा उतना वो हमारी विंडो साइज फील्ड होती है। और थोड़ा और प्रिसाइसली बोलूं, जब हम आगे डेटा ट्रांसफर फेस पढ़ेंगे, अभी तो हम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट पढ़ रहे हैं ना, जब डेटा ट्रांसफर पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा और डिटेल समझ में आएगा। बेसिकली विंडो साइज फील्ड बताती है कितना बफर खाली है, इनिशियली तो सारा बफर ही खाली है ना, इनिशियली तो आपने जस्ट एलोकेट किया बफर, सारा बफर ही खाली, तो इसलिए विंडो साइज फील्ड में बफर का साइज चला गया। तो विंडो साइज फील्ड बफर साइज इक्वल कब हो जाएगी, जब पूरा पूरा बफर ही खाली है। तो एक्जैक्टली अगर बात करूं प्रिसाइजली, तो विंडो साइज क्या बताती है, कितना बफर फिलहाल खाली है। अब सपोज कर लो बफर, आप बफर का साइज एलोकेट किया गया क्लाइंट साइज साइड पे, सपोज कर लो 10,000। ठीक है, 10,000 बाइट का बफर एलोकेट किया गया। अच्छा, अब सपोज कर लो इसमें कुछ ना कुछ डेटा आया हुआ है सर्वर साइड से एंड ऑन, तो फिलहाल 5,000 बाइट भरा हुआ है बफर, तो ऑब्वियसली बात है खाली कितने, 5,000 बाइट ही खाली है। ठीक है, तो जो 5,000 बाइट खाली है ना, वो होता है विंडो साइज फील्ड। तो विंडो साइज फील्ड क्या बताती है, कितना बफर फिलहाल जो भी क्लाइंट है या सर्वर है, जो भी विंडो साइज फील्ड एडवर्टाइज कर रहा होगा, वो क्या बताएगा कि कितना बफर मेरे पास फिलहाल खाली है। ठीक है, तो जितना भी बफर, जितना भी साइज ऑफ बफर खाली होगा, वो ये विंडो साइज फील्ड होती है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो तो अब आ जाओ इस बात पे, है ना। तो विंडो साइज फील्ड तो हमारे पास फील्ड थी, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो देखो भाई, साथ साथ मैं आपको चीजें दिखाता चला जाता हूँ। ये देखो भाई, विंडो साइज फील्ड मैंने आपको प्रॉपर डिटेल समझाया भी था प्रीवियस लेक्चर्स में क्या होती है एंड सो, बट स्टिल हमने एक बार फटाफट से रिपीट कर लिया। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे, आ जाओ भाई मेरे साथ फटाफट। हाँ भाई, कहाँ गया नेक्स्ट पॉइंट। लो भाई, तो ये एलोकेट कर लिया गया क्लाइंट साइड पे, उसके बाद नाउ सिंस MSS इज 14600, ये सिंपल सा पॉइंट है, ये आई थिंक आप अपने पकड़ भी जाओगे। सिंस MSS इज 1460 एंड 14600 बाइट्स बफर इज एलोकेटेड एट क्लाइंट साइड, सो सर्वर गेट आइडिया दैट इट कैन सेंड एट मोस्ट 10 सेगमेंट्स ईच ऑफ मैक्सिमम साइज 1460। ठीक है, ईच ऑफ MSS, थोड़ा अच्छे से बोले तो ईच ऑफ MSS, है ना, साइज तो बात अलग हो जाएगी क्योंकि साइज में फिर हम लोग हेडर भी इंक्लूड करेंगे एंड सो, तो यहाँ पे हमने को बोलना चाहिए था MSS। ठीक है, ईच ऑफ MSS 1460 bytes, ठीक है, तो मतलब MSS मैक्सिमम डेटा उसमें 1460 का आ सकता होगा, तो सेगमेंट अगर बोला जाएगा तो 1480 की आएगी, है ना, क्योंकि 20 बाइट का हेडर भी तो होगा ना हमारे पास। आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, हाँ, तो दैट्स इट। तो ये आई थिंक पॉइंट बहुत इजी था, है ना, MSS 1460 का था और 14600 bytes का बफर आपने एलोकेट किया है, तो ऑब्वियसली बात है 14600 डिवाइडेड बाय, ये तो आई थिंक बहुत बेसिक सी पॉइंट है भाई, है ना, 14600 डिवाइडेड बाय 1460 तो कितना आ गया जी, 10। तो सर्वर को इस बात का आइडिया हो गया कि ज्यादा से ज्यादा वो 10 सेगमेंट्स भेज सकता है और हर एक का MSS कितना होगा, 1460 होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिक्वेस्ट पैकेट। तो रिक्वेस्ट पैकेट में बहुत कुछ सर्वर को समझ में आ चुका है कि क्लाइंट ने कितना अपने पास बफर एलोकेट किया है, कितना सेगमेंट मैक्सिमम MSS कितना सर्वर भेज सकता है क्लाइंट के पास एंड सो, वो सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई। और साथ साथ ये भी पता लग गया कि क्या रैंडम नंबर
क्लाइंट ने यूज किया है ना, और जब सिन फ्लैग सेट करके भेजते तो वही बात है, वही रैंडम नंबर हम लोग ने बता दिया, इनिशियल सीक्वेंस नंबर हमने बता दिया। ठीक है, सिन फ्लैग का मतलब, सिन का मतलब क्या था भाई, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर्स। ठीक है, ओके जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट पैकेट में आ गया। तो रिक्वेस्ट पैकेट में एक तो हमारे को सीक्वेंस नंबर पता लग गया, मतलब रैंडम नंबर क्या क्लाइंट ने चूज किया था, उसके बाद एमएसएस पता लग गया, विंडो साइज पता लग गई, तो सर्वर को काफी हद तक इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने अपनी बता दी है। ठीक है जी, ओके जी, तो ये हो गया रिक्वेस्ट पैकेट। अब आएगा हमारे पास रिप्लाई पैकेट। ठीक है, रिक्वेस्ट पैकेट वाला काम कंप्लीट। तो अब सर्वर ने ये पैकेट रिसीव किया, ठीक है, क्योंकि सर्वर ने पैकेट रिसीव किया तो अब वो रिप्लाई पैकेट करेगा। तो रिप्लाई पैकेट में देखो क्या होगा वो मैं आपको अब समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपको थोड़ा और एक बार और नॉन टेक्निकल वे में बोलूं, तो क्लाइंट सर्वर, तो क्लाइंट सबसे पहले सिन फ्लैग सेट करके भेजेगा सर्वर के पास कि हाँ जी ये मैं आपसे रिश्ता बनाना चाह रहा हूँ एंड सो ऑन, और फिर सर्वर अपना सिन फ्लैग भी सेट करके भेजेगा, वो बताएगा कि ठीक है मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, और ACK फ्लैग भी सेट करके भेजेगा क्योंकि ये अब एक्नॉलेजमेंट भी कर रहा है, जो क्लाइंट ने बोला था उसको वो एक्नॉलेजमेंट भी कर रहा है, और उसके बाद फिर क्लाइंट एक प्योर एक्नॉलेजमेंट करेगा, वो देखेंगे हम लोग एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा एंड सो ऑन। बट ठीक है, तो ये हो गया वो थ्री वे हैंड शेकिंग वाली बात। तो ठीक है जी, अब सिन फ्लैग यहाँ से आ चुका है तो यहाँ से सिन और ACK जाएगा। ठीक है जी, तो अब सर्वर यहाँ से जो रिप्लाई करेगा उसमें सिन प्लस ACK सेट करके भेजेगा। तो ठीक है, हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी काम में। ठीक है, पॉइंट्स में बार बार समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के मैंने लिखे हुए हैं, तो इनको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्लाई पैकेट शुरू हो गया भाई। रिप्लाई पैकेट देखो, सर्वर सेंड रिप्लाई पैकेट इन इन विच ACK इज सेट फॉर रिक्वेस्ट पैकेट एंड हेंस ACK फ्लैग इज सेट टू 1। ये बात बहुत ऑब्वियस है ना, जो जो भी सर्वर रिप्लाई पैकेट करेगा उसमें ACK फ्लैग तो सेट होकर जाएगा जाएगा, क्योंकि उसको ACK तो करनी करनी है भाई, है ना, क्योंकि जो क्लाइंट से आया था है ना उसको ACK भी तो करनी है ना भाई, जो भी क्लाइंट से सीक्वेंस नंबर आया है तो सर्वर बताएगा ना भाई मैंने आपका पैकेट रिसीव कर दिया तो मुझे उसको ACK भी करना है। ठीक है जी, तो ये अपना सिन फ्लैग भी सेट करके भेजेगा, सिन फ्लैग भी सेट होगा और ACK फ्लैग भी सेट होगा। ठीक है जी, और ACK नंबर क्या होगा वो मैं अभी आपको अभी आराम आराम से पॉइंट्स पढ़ के समझाऊंगा, एकदम हम बोलेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है जी, ओके जी, तो चलो हम लोग सीधा आ जाते हैं इस पॉइंट पे। देखो बता, तो सर्वर कैन सेंड रिप्लाई पैकेट इन विच ACK सेंड फॉर रिक्वेस्ट पैकेट एंड हेंस ACK फ्लैग इज सेट टू 1। ओके, ACK नंबर विल बी 1001, दैट इज द सीक्वेंस नंबर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाय द सर्वर। ये पॉइंट आई थिंक मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया था, ACK नंबर क्या होता है भाई, जो सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट कर रहा होगा सर्वर, तो वही इसने करा, ACK नंबर विल बी 1001। ठीक है जी, तो ACK फ्लैग सेट हो चुका है और ACK नंबर क्या होगा जी 1001। ठीक है ना, याद है ना ACK नंबर, ये देखो हमारे पास फील्ड थी ना भाई TCP हेडर में ACK नंबर, तो 32 बिट की फील्ड थी तो उसमें 1001 जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप। चलो भाई आगे आ जाओ। हाँ जी, ओके जी, उसके बाद देखो सर्वर ऑल्सो चूजेस अ रैंडम नंबर व्हिच इज नोन एज इनिशियल सीक्वेंस नंबर। ठीक है, टू ट्रांसफर द डेटा बिकॉज TCP वर्क इन फुल डुप्लेक्स मोड, ये आई थिंक आपको पता है TCP फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है, तो सर्वर भी तो एक अपना इनिशियल सीक्वेंस नंबर चूज करेगा, तो हम मान लेते हैं उसने जो भी सीक्वेंस नंबर चूज किया होगा, मैंने शायद नीचे लिखा होगा, आई थिंक शायद मैंने नहीं लिखा नोट्स में, हाँ, तो इनिशियल सीक्वेंस नंबर सपोज कर लो उसने 2000 ले लिया। ठीक है जी, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि इनिशियल सीक्वेंस नंबर भेज रहा है, कोई बात है सिंक्रोनस वाली बात आ रही है तो सिन फ्लैग सेट होकर जरूर जाएगा। ठीक है जी, तो सिन फ्लैग सेट है तो समझ लेना भाई, सिन फ्लैग सेट होने का मतलब सीक्वेंस नंबर जा रहा है। ठीक है जी, तो इसने अपना सीक्वेंस नंबर क्या चूज किया 2000, तो सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा जी इस पैकेट का 2000। समझ गए, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सिमिलर टू रिक्वेस्ट पैकेट रिप्लाई पैकेट ऑल्सो कंटेन ओनली हेडर एंड नो डेटा एंड इन दिस हेडर सिन फ्लैग इज सेट टू 1। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पॉइंट बता ही दिया, जैसे रिक्वेस्ट पैकेट था उसमें कोई डेटा नहीं गया था, सिर्फ हेडर हेडर गया था, यहाँ पे भी वही चक्कर है भी, सिर्फ हेडर हेडर जाएगा, डेटा नहीं जा रहा। ठीक है, देखो मैंने आपको आई थिंक ये पॉइंट पढ़ के सुनाया था ना, देखो रिक्वेस्ट पैकेट कंटेन ओनली हेडर एंड नो डेटा। ठीक है, और सिन फ्लैग सेट टू 1, तो वही पॉइंट मैंने एज इज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो सिमिलर टू रिक्वेस्ट पैकेट रिप्लाई पैकेट ऑल्सो कंटेन ओनली हेडर एंड नो डेटा, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। ये जो सबसे पहला क्या कौन सा पैकेट आया था, रिक्वेस्ट पैकेट आया था, तो रिक्वेस्ट पैकेट में कोई डेटा नहीं गया, ऐसे ही रिप्लाई पैकेट में भी कोई डेटा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक कनेक्शन कोई बना नहीं है भाई। ठीक है, कनेक्शन बनेगा उसके बाद ही तो डेटा ट्रांसफर होगा, तीन फेजेस में काम होना ना TCP में, सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, फिर डेटा ट्रांसफर और फिर कनेक्शन टर्मिनेशन। जब तक कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है डेटा नहीं जाने वाला भाई, रिक्वेस्ट पैकेट में कोई डेटा नहीं होगा, रिप्लाई पैकेट में भी कोई डेटा नहीं होगा, सिर्फ हेडर हेडर होगा। ठीक है जी, ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, उसके बाद देखो,
हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, सीक्वेंस नंबर टू रिप्लाई पैकेट विल बी इक्वल टू आईएसए दैट इज 2000। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था, हमने 2000 लिख लिया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एमएसएस मैक्सिमम सेगमेंट साइज सेट टू 500 बाय सर्वर इन ऑप्शंस ऑफ द रिप्लाई पैकेट, ठीक है। वही बात है, एमएसएस ऑप्शनल ऑप्शंस में ही है, हमारी एक्चुअल फीड तो है नहीं टीसीपी हेडर में, तो ठीक है जी। उसने 500 सेट किया होगा, कैसे सेट किया होगा वो हमें अपने आप एज्यूम कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एमएसएस इसने 500 मान लिया, ठीक है जी। तो इसने बता दिया साथ साथ कि एमएसएस मेरा 500 है, ठीक है, मतलब मैं जिस नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ उसमें मैक्सिमम डेटा सेगमेंट में 500 आ सकता है, इसके ऊपर नहीं आ सकता बस, ठीक है। यही इसने एज्यूम करके, हमने अपने हिसाब से कोई भी एक नंबर ले लिया, ठीक है। ओके जी, अब आगे देखो भाई, 10,000 बाइट्स ऑफ बफर इज एलोकेटेड एट सर्वर साइड, सो विंडो साइज फील्ड विद कंटेन वैल्यू, सॉरी विंडो साइज फील्ड विद कंटेन वैल्यू 10,000 है, 14,600 नहीं होगा, 10,000 होगा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, विंडो साइज फील्ड विद कंटेन वैल्यू 10,000, ऑब्वियसली बात है, जितना बफर का साइज है सारा का सारा बफर ही अभी खाली है, तो सारा बफर ही खाली है, तो वही बात है 10,000 ही जाएगा, है ना। एग्जैक्टली कितना बफर इस टाइम पे खाली है वही विंडो साइज फील्ड बताती है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कहेंगे, 10,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग भेज देंगे, है ना, विंडो साइज इज 10,000, विंडो साइज इज 10,000, ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, अब ये बहुत सिंपल सा पॉइंट आप समझ ही पा रहे होंगे, जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा था कि कितना हम सर्वर को आइडिया लग गया था ना कि क्लाइंट के पास इतना बफर है और इतना एमएसएस है, तो मैं कितनी सेगमेंट भेज सकता हूँ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी वही बात हम यहाँ बोल रहे हैं कि सिंस एमएसएस इज 500 एंड 10,000 बाइट बफर इज एलोकेटेड एट सर्वर साइड, सो क्लाइंट गेट आइडिया दैट इट कैन सेंड एट मोस्ट 20 सेगमेंट्स ईच ऑफ मैक्सिमम साइज 500 बाइट्स। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ईच ऑफ एमएसएस, है ना, पर ढंग से बोले तो ईच ऑफ एमएसएस मैक्सिमम डेटा उसमें 500 का जा सकता है, ईच ऑफ एमएसएस। सेगमेंट साइज बोला जाएगा तो 20 बाइट हम लोग और ऐड करते हैं क्योंकि हेडर भी बीच में होगा, ठीक है। प्रॉपर अगर सेगमेंट का साइज की बात करेंगे तो हेडर बीच में आएगा ही आएगा, बट एमएसएस वाली जब बात आती है तो वहां पे हम लोग हेडर इंक्लूड नहीं करते, वहां पे सिर्फ डेटा की बात करते हैं, मैंने काफी बार आपको बता दिया, ठीक है जी। तो आई थिंक यहाँ से समझ में आ गया होगा सब लोगों को, 10,000 बाइट है हमारे पास, ठीक है, 10,000 बाइट का बफर है और 500 बाइट का हमारे पास एक सेगमेंट है, मतलब 500 बाइट की मैक्सिमम एमएसएस है। हाँ जी, तो फिर ये कितना आ गया जी, 20। तो ये क्या, इसको क्या समझ में आ जाएगा कि 20 सेगमेंट्स मैक्सिमम सेंड करी जा सकती हैं, और वही बात है, ये मैक्सिमम सेगमेंट्स 20 क्यों जा सकती हैं, मतलब वही बात है, ये सब ना एक्चुअली मैं आपको आगे समझाऊंगा, बिना एक्नॉलेजमेंट रिसीव के मैक्सिमम कितना डेटा जा सकता है वो ये कहानी होती है, ठीक है। एक्चुअली देखो, जब जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा जाएगा, डेटा ट्रांसफर फेज में हम लोग बात करेंगे, ये देखो ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया, क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा जाएगा तो सर्वर उसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो करेगा ना, तो यहाँ पे ये बात उठती है कि क्लाइंट मैक्सिमम कितना डेटा भेज सकता है सर्वर से एक्नॉलेजमेंट लिए बिना, ये वही कहानी हम लोग यहाँ पे बता रहे होते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट को आइडिया लग जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा 20 सेगमेंट भेज सकता है विदाउट रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सर्वर। ढंग से ये लिखेंगे तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, ठीक है ना, एटमोस्ट 20 सेगमेंट ईच ऑफ एमएसएस 500 बाइट Without receiving ACK from server, ठीक है, सर्वर से ACK आए बिना इतना डेटा वो इकट्ठा एक ही बारे में भेज सकता है। और प्रीवियस स्लाइड में भी हम लोग ये लिख सकते थे, है ना, ईच ऑफ एम एस एस 1460 विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम क्लाइंट, विदाउट रिसीविंग ACK from client, client से ACK आए बिना, मतलब लगातार वो इकट्ठा कितना एक बार में बल्क ऑफ डेटा भेज सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि सारा उठा के भेज देगा, फिर तो ओवरवेल्म हो जाएगा, समझ रहे ना, सर्वर उठाकर, सर्वर के पास तो बहुत सारा डेटा होगा, वो चाहे तो बहुत कुछ भेज सकता है क्लाइंट के पास एकदम, या क्लाइंट के पास भी बहुत सारा डेटा होगा, वो चाहे तो बहुत कुछ सर्वर के पास भेज सकता है, तो एक दूसरे को उनको ध्यान रखना ना, वो ओवरवेल्म ना हो जाए, तो इसलिए विदाउट रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट इतना डेटा वो भेज मतलब सेंड कर सकते हैं, ये वही कहानी है, पकड़ के हो गया आई थिंक आप लोग, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब आप देखो ये एक सिंपल सा और पॉइंट आ जाएगा, ऑल्दो क्लाइंट कैन रिसीव सेगमेंट ऑफ एमएसएस 1460 बट स्टिल सर्वर कांट सेंड सेगमेंट सेगमेंट ऑफ साइज मोर देन 500 बाइट्स, ठीक है ना। वही बात है, यहाँ पे मैंने मैंने एमएसएस लिखना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों बार बार सेगमेंट साइज लिखा हुआ है। तो ऑल्दो क्लाइंट कैन रिसीव सेगमेंट ऑफ एमएसएस 1460 एमएसएस यहाँ ठीक है, बट स्टिल सर्वर कांट सेंड एमएसएस, ठीक है, एमएसएस ढंग से लिख लेते हैं, कांट सेंड एमएसएस, हाँ जी, MSS more than 500, okay? तो obvious ही बात है ना भाई, जब जब client server का server जिस network से connected है, या server के पास ताकत ही इतनी है कि वो 500 की segment बना सकता है, maximum data जो segment में आएगा वो 500 ही आएगा, तो फिर वो 1460 कैसे भेज देगा client के पास, that is impossible। तो वही इन्होंने लिखा है, यही मैंने point लिखा है कि although client can receive segment of MSS 1460, but still server can't send MSS more than 500,
ठीक है। तो मतलब क्लाइंट की इच्छा तो थी कि 1460 की एमएसएस वो रिसीव कर ले, लेकिन क्लाइंट कभी ये रिसीव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्वर के पास ताकत ही नहीं है, सर्वर तो 500 वाली भेज सकता है। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्लाई पैकेट। रिप्लाई पैकेट के बाद अब यहाँ से क्या जाएगा जी, यहाँ से जाएगा एसी के पैकेट, ठीक है। तो अब वही बात है, हम एसी के पैकेट की अब कहानी करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स पे आते हैं और उनको हम फटाफट एक एक करके पढ़ लेते हैं जी, ठीक है जी। चलो देखो भाई, अच्छा मैंने शायद इसको आपको नोट करने का टाइम नहीं दिया है, तो एक बार आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो ये रिप्लाई पैकेट की कहानी है। आई थिंक ये पूरा एक स्क्रीन पे आ चुका है, आपको जो ठीक लग रहा है आराम से फटाफट से सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, ठीक है। आराम से नोट डाउन कर लो रिप्लाई पैकेट के, और रिक्वेस्ट पैकेट के लिए भी आई थिंक शायद पता नहीं मैंने टाइम दिया था कि नहीं, बट कोई बात नहीं, एक बार मैं वो टाइम दे देता हूँ, आप रिक्वेस्ट पैकेट की सारी कहानी नोट डाउन कर सकते हैं, एक स्क्रीन पे आ चुके हैं, कर लिया नोट डाउन। चलो जी ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने एसी के पैकेट पे, ठीक है। चलो जी एसी के पैकेट देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, बस ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट सेंड एसी के पैकेट टू सर्वर एंड एसी के नंबर विल बी 2001, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2001 विल बी द एसी के नंबर, व्हाई 2001 विल बी द एसी के नंबर, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस नंबर 2000 आया, सिंपल बात बस इतनी ध्यान रखो, यहाँ से सीक्वेंस नंबर 2000 आया, सर्वर ने जो भेजा है वो 2000 भेजा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, 2001 सीक्वेंस नंबर प्लस वन ना, तो इसलिए हमारे पास एसी के नंबर क्या जाएगा जी, एसी के नंबर विल बी 2001, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो भाई, यहाँ से सीक्वेंस नंबर 1000 का पैकेट आया था, तो यहाँ से एसी के प्लस वन होके भेजी गई थी ना, तो इसलिए 1001 हमने भेजा था कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, 1001 क्या था भाई, एक्नॉलेजमेंट नंबर था, तो सीक्वेंस नंबर जो आएगा प्लस वन, बस इतना ध्यान रखना फिलहाल जब हम यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई डेटा नहीं जा रहा, डेटा जा रहा होगा तो लास्ट बाइट प्लस वन, दैट इज योर एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपको बहुत अच्छे से मैंने सारा समझा रखा है, प्लीज बार बार चीजें रिपीट करूंगा तो मिक्सअप हो जाएंगे, मिंगल अप हो जाएंगे चीजें, मैं वो सब करना नहीं चाह रहा। फिलहाल जब हम लोग रिक्वेस्ट पैकेट भेज रहे हैं तो सीक्वेंस नंबर 1000 गया था, तो यहाँ से जब रिप्लाई आएगा तो 1001 आएगा, क्योंकि इसमें कोई डेटा ही नहीं गया, सिंपल बात है एकदम, डेटा गया होता तो फिर लास्ट बाइट नंबर प्लस वन हम करते, ठीक है जी। क्योंकि आप समझ गए होंगे ना, बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा कुछ, ठीक है जी। तो अब एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो जा रहा है, यहाँ से देखो भाई सीक्वेंस नंबर क्या आया था, 2000 आया था, तो ऑब्वियस ही बात है अब क्योंकि सर्वर ने बता दिया कि मेरा इनिशियल सीक्वेंस नंबर 2000 है, तो क्लाइंट क्या बोलेगा एक्नॉलेजमेंट में कि मैं अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2001 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसने एसी के नंबर 2001 किया है। आई थिंक समझ गए, सीक्वेंस नंबर प्लस, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डेटा ही नहीं गया, डेटा गया तो लास्ट बाइट नंबर प्लस वन, डेटा नहीं गया तो सीक्वेंस नंबर प्लस वन, सो सिंपल। तो ठीक है जी, तो याद रखना भाई, अगर डेटा जा रहा होगा तो एसी के नंबर क्या आएगा जी, एसी के नंबर आएगा जी लास्ट बाइट प्लस वन, जो भी लास्ट बाइट नंबर कैरिड हुआ होगा प्लस वन कर देंगे, दैट इज योर एक्नॉलेजमेंट नंबर। लेकिन अगर डेटा नहीं जा रहा, अगर डेटा नहीं जा रहा तो फिर सीक्वेंस नंबर प्लस वन, दैट इज योर एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। सीक्वेंस नंबर प्लस वन, डेटा नहीं जा रहा तो सीक्वेंस नंबर प्लस वन, अब यहाँ पे डेटा नहीं गया ना तो सीक्वेंस नंबर प्लस वन, दैट विल बी योर एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर वही जो आई थिंक समझते हो आप लोग, बार बार बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, दैट इज सीक्वेंस नंबर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाय क्लाइंट, एसी के फ्लैग विल बी सेट टू वन, दैट इज सो ऑब्वियस ना, एसी के फ्लैग तो हमारे को सेट करके भेजना ही पड़ेगा, एसी के इज इक्वल टू वन होगा ही होगा। अब देखो एक बात ये ध्यान रखना, जो सबसे पहला पैकेट गया था ना क्लाइंट से सर्वर के पास, वहां पे एसी के फ्लैग सेट नहीं होगा, क्यों एसी के फ्लैग सेट नहीं होगा, ऑब्वियस बात है पहला पैकेट है एक्नॉलेजमेंट का एक ही है ये, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट होकर नहीं जाएगा। बाकी सबसिक्वेंट जितने भी पैकेट जाते हैं हर एक पैकेट में एक्नॉलेजमेंट फ्लैग सेट होकर जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने लिखा भी हुआ, मैं आपको आगे पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। ये देखो आगे हमने लिखा हुआ, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पैकेट सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एवरी पैकेट कंटेन एसी के इक्वल टू वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और क्यों क्यों हम लोग एसी के इक्वल टू वन करके भेजेंगे, इसका कारण बहुत सिंपल है। देखो अगर एसी के फ्लैग हमारे पास वन होगा तभी हमारे पास एसी के नंबर वाली फील्ड, एसी के नंबर वाली फील्ड याद है ना 32 बिट की फील्ड है, 4 बाइट की फील्ड है, वो वैलिड होती है, अदरवाइज वो इनवैलिड होती है। अब एक बात कॉमन सेंस से ये सोचो, टीसीपी हेडर में एसी के नंबर की फील्ड हमारे पास फिक्स है ना भाई, 32 बिट की या 4 बाइट की फील्ड फिक्स है, तो अगर आपने एसी के फ्लैग को जीरो करके भेजा तो ये फील्ड इनवैलिड हो जाएगी, तो इसको इनवैलिड करना ही क्यों है, क्यों 4 बाइट वेस्ट करनी है। तो रफली आप इस टाइप से सोच सकते हो, ठीक है। एक बार ये चीज तो आप समझ ही गए हो, एसी के फ्लैग अगर वन है तो एसी के नंबर वाली फील्ड वैलिड है, अगर एसी के फ्लैग जीरो है तो एसी के नंबर वाली फील्ड इनवैलिड हो जाएगी। तो मतलब जो भी डेटा एसी के नंबर में होगा वो हम इग्नोर करेंगे, मतलब रिसीवर उसको इग्नोर करेगा, उसको एसी के नहीं मानेगा। अब कॉमन सेंस की बात है, जब टीसीपी हेडर में ये हमने फील्ड घुसा रखी है 4 बाइट की ये फील्ड है, तो इसको इनवैलिड करना ही क्यों है, हर बार हम एसी के फ्लैग वन करके भेजेंगे तो
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर बार एसी के नंबर वाली फील्ड वैलिड ही होगी। मैं रफली आपको समझा रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, इतना जाने की जरूरत भी नहीं है। रफली मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको हमेशा ध्यान रखना है एसी के फ्लैग हमेशा वन होगा, ठीक है, एवरी टाइम एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पैकेट, इन एवरी पैकेट एसी के फ्लैग विल बी वन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। चलो ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं आगे, अपनी बात पे आते हैं। हाँ जी, तो सीक्वेंस नंबर ऑफ एसी के पैकेट विल बी इक्वल टू आईएसएन ऑफ क्लाइंट प्लस वन, दैट इज 1001, बिकॉज वन सीक्वेंस नंबर इज कंज्यूम फॉर द रिक्वेस्ट पैकेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जो भी पैकेट जाएगा उसका सीक्वेंस नंबर तो होगा ही, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा। देखो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी सिन फ्लैग सेट करके भेजा जाता है ना, तो वहां पे एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, और एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे 1000 गया था सीक्वेंस नंबर, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या आ जाएगा जी, 1001। एंड इट्स ऑब्वियस ऑल्सो, क्योंकि सर्वर से जब एक्नॉलेजमेंट आई थी तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आया था, 1001 आया था। जब एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 आया है तो ऑब्वियसली बात है, जब क्लाइंट से सर्वर के पास पैकेट जाएगा तो उसका सीक्वेंस नंबर 1001 होना चाहिए ना भाई। तो डायरेक्टली डायरेक्टली आप समझ रहे हो, देखो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 आया तो मतलब सर्वर सीक्वेंस नंबर 1001 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप 1000 कैसे भेज के बैठ जाओगे, तो फिर सर्वर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चक्कर होगा भाई, मैंने तो 1001 एक्सपेक्ट किया है, आप 1000 कैसे भेज रहे हो, समझ रहे हो। तो जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ से आया है सर्वर से, जो भी क्लाइंट के पास अकाउंट में नंबर गया था, वही सीक्वेंस नंबर बन जाएगा पैकेट का जो क्लाइंट सर्वर के पास भेजेगा, तो सीक्वेंस नंबर 1000 बन जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। और सीक्वेंस नंबर 1000 कहाँ गया, वो कंज्यूम हो गया जब भी सिन फ्लैग सेट करके भेजा जाता है। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पे क्योंकि हर एक बाइट को एक एक नंबर दिया जाता है, तो किस बाइट को ये सीक्वेंस नंबर 1000 दिया गया है, बात समझ रहे हो, एक बड़ा ब्यूटीफुल सा डाउट आपके मन में आ सकता है, ये मैं बहुत डीप में बातें बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा आपको, प्लीज ध्यान से समझ लो, ये प्योर गोल्ड है जो मैं आपको दे रहा हूँ। सीक्वेंस नंबर 1000 है तो हर एक बाइट को एक एक बाइट नंबर दिया जाता था, और जो भी पहली बाइट कैरी हो रही थी सेगमेंट में उसी को हम लोग सीक्वेंस नंबर कहते थे, उसके बाइट नंबर को सीक्वेंस नंबर कहते थे, याद है ना, जो भी सेगमेंट के अंदर डेटा जा रहा होगा उस डेटा में जो भी पहली बाइट होगी उसका जो बाइट नंबर होगा वही हमारा सीक्वेंस नंबर होता था। तो अब मैंने बोल दिया कि सीक्वेंस नंबर हमने यहाँ पे 1000 कंज्यूम करवा दिया, कंज्यूम करवा दिया तो मतलब डेटा की कोई बाइट होगी जिसको आपने ये दिया होगा, तो एक्चुअली डेटा में तो डेटा तो हमने सेंड ही नहीं किया, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस नंबर दिया गया ना 1000, ये दिया गया है फोनी बाइट को, फोनी मतलब होता है इमेजिनरी, बाइट जो है ही नहीं, तो आप रफली ऐसे समझ सकते हैं, ये फोरोजन की किताब में दिया हुआ, तो वहीं से मैंने आपको ये पॉइंट बताया, फोनी बाइट है जिसको हमने ये सीक्वेंस नंबर 1000 दिया हुआ है, समझ के तरफ लिया, आप ऐसे सोच सकते हो। तो सिंपल बात, ज्यादा डीप में नहीं जाना, तो इतना याद रखना है आपको, जब भी सिन फ्लैग सेट होके जाएगा तो एक सीक्वेंस नंबर हमारा कंज्यूम हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर 1000 हम कंज्यूम कर चुके हैं, और यहाँ से एसी के ऑब्वियस बात है 1001 आया था, क्योंकि सर्वर के दिमाग में क्या है, अब 1001 सीक्वेंस नंबर भेजो भाई, जो भी सीक्वेंस नंबर वो चाहता होगा सर्वर वही भेज रहा है ना, और सीक्वेंस नंबर क्या होता था भाई, मैंने आपको भी बताया था, जब डेटा नहीं जा रहा, जब डेटा नहीं जा रहा तो सॉरी जब डेटा जा रहा है तो लास्ट बाइट प्लस वन, और जब डेटा नहीं जा रहा तो सीक्वेंस नंबर प्लस वन, तो सीक्वेंस नंबर क्या है जी, 1000 है, तो ठीक है जी, इसमें डेटा नहीं गया था ना रिक्वेस्ट पैकेट में, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आया, 1001 आया। अब क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 सर्वर ने भेजा है, तो सर्वर के दिमाग में क्या है, सीक्वेंस नंबर 1001 आना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है क्लाइंट को सर्वर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है और सीक्वेंस नंबर 1001 ही भेजना है, 1000 नहीं भेज सकता भाई, अगर इसने 1000 भेज दिया तो सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा मैंने तो 1000 एक्सपेक्ट किया था, आप 1000 कैसे भेज रहे हो। इसे याद रखना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 आया है तो सीक्वेंस नंबर 1001 ही भेजा जाएगा क्लाइंट के द्वारा, बात समझ रहे हो ना। तो और यहाँ पे देखो पहले पैकेट में तो कोई एक्नॉलेजमेंट आया नहीं था, अगर पहले पैकेट में कुछ एक्नॉलेजमेंट होता तो फिर वही बात है, वही एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता वही सीक्वेंस नंबर होता हमारे पास सर्वर से, बात समझ रहे हो ना, ऑब्वियसली बात है पहला पैकेट गया क्लाइंट सर्वर की तरफ, तो एक्नॉलेजमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, किस बात की एक्नॉलेजमेंट है ना, तो इसलिए फिर यहाँ पे इसने अपना सीक्वेंस नंबर ले लिया था। अब ध्यान से समझो, जब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर 1001 भेजा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर सर्वर ने 1001 क्यों भेजा है, क्योंकि जो सीक्वेंस नंबर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो क्लाइंट ने सीक्वेंस नंबर 1001 चूज किया था, तो सर्वर सीक्वेंस नंबर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है क्लाइंट से, 1001 वही होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो अब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1001 नहीं जाएगा, 1000 नहीं जाएगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो सीक्वेंस नंबर 1001 गया, तो डायरेक्टली डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, यही सीक्वेंस नंबर 1000 था और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1001 आया, तो मतलब एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम हो गया, किससे, सिन फ्लैग जब भी सेट होकर जाता है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है जी। तो दैट्स इट, तो सीक्वेंस नंबर 1000 बन जाएगा, ओके जी। तो हमने ये पॉइंट पढ़ लिया था, दोबारा से पढ़ना, दोबारा से पढ़ देता हूँ, सीक्वेंस नंबर ऑफ एसी के पैकेट विल बी
इक्वल टू आई एस एन ऑफ क्लाइंट प्लस वन, दैट इज 1001, बिकॉज वन सीक्वेंस नंबर इज कंज्यूम फॉर रिक्वेस्ट पैकेट। तो वन सीक्वेंस नंबर रिक्वेस्ट पैकेट के लिए क्यों कंज्यूम है, क्योंकि सिन फ्लैग सेट हमने वन करके भेजा था। जब भी सिन फ्लैग सेट हो जाता है वन से तो हमारा एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम हो जाता है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हेनेवर सिन फ्लैग इज सेट टू वन, वन सीक्वेंस नंबर इज कंज्यूम, ये मैंने पॉइंट अभी आपको बता दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम लोग। अनलाइक रिक्वेस्ट पैकेट एंड रिप्लाई पैकेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान से समझो। यहाँ पे रिक्वेस्ट पैकेट में कोई डेटा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि अभी कनेक्शन ही नहीं बना। अच्छा जी, और रिप्लाई पैकेट में भी कोई डेटा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि अभी कनेक्शन ही नहीं बना। लेकिन एक बात ये समझो, जो हमारा एक्नॉलेजमेंट पैकेट हम क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है उसमें डेटा सेंड हो सकता है। क्यों हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा था सर्वर को कि मेरे से, मैं आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अब सर्वर ने जो एक्नॉलेजमेंट किया है, इसका मतलब क्लाइंट को पता लग गया ना कि सर्वर मेरी बात को मान चुका है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा सर्वर के साथ रिश्ता जुड़ चुका है। अब क्योंकि मेरा रिश्ता सर्वर के साथ जुड़ चुका है तो मैं चाहूं तो डेटा सेंड कर सकता हूं, मतलब मैं मतलब क्लाइंट, क्लाइंट से तो डेटा सेंड कर सकता है। तो इसका मतलब कोई नहीं रोक रहा, एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो सेंड किया जाता है उसमें डेटा जा सकता है। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। थ्री वे हैंडशेकिंग में जो सबसे पहला पैकेट गया था रिक्वेस्ट पैकेट, उसमें कोई डेटा नहीं जाता। दूसरा पैकेट आया था रिप्लाई पैकेट, उसमें कोई डेटा नहीं जा सकता क्योंकि अभी कनेक्शन कोई बना ही नहीं है। पहला पैकेट जो गया था रिक्वेस्ट पैकेट, उसमें तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना कनेक्शन की, फिर कैसे डेटा सेंड हो। पहले तो फेज क्या है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, फिर डेटा ट्रांसफर और फिर कनेक्शन टर्मिनेशन। जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक डेटा नहीं जाने वाला। तो अभी जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट पैकेट गया कोई कनेक्शन नहीं बना, लेकिन जब सर्वर से रिप्लाई पैकेट आया है तो वहां पे जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी थी कनेक्शन बनाने की, सर्वर ने उसको एक्नॉलेज कर दिया है। सर्वर ने एक्नॉलेज कर दिया मतलब सर्वर ने हाँ भर दिया है, इसने मैं बोला कि मैं रिश्ता बनाना चाहता हूँ, सर्वर ने हाँ भर दिया है। अगर सर्वर ने हाँ भर दिया है तो इसका मतलब एक रिश्ता क्लाइंट से सर्वर के बीच में डेवलप हो चुका है। तो वो ढंग से बोलूं तो मैं ऐसे बताऊंगा, ये देखो भाई, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है जी, ये क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट पैकेट भेजा सर्वर को कि हाँ जी मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, सर्वर ने रिप्लाई पैकेट जब किया तो उसने एक्नोलेज कर दिया है, एक्नोलेज कर दिया है तो इसका मतलब क्लाइंट से सर्वर तक एक कनेक्शन बन चुका है। कनेक्शन बन चुका है तो क्लाइंट से सर्वर पे डेटा जा सकता है, कोई इसको रोक नहीं रहा डेटा सेंड ना करने, भाई डेटा सेंड मत करो, सेंड कर सकता है। तो याद रखना है आपको, जब रिप्लाई पैकेट, जब ये एक्नोलेजमेंट पैकेट जाता है उसमें डेटा सेंड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्लाइंट से सर्वर तक कनेक्शन बन चुके हैं। हाँ, सर्वर से क्लाइंट वाला भी कनेक्शन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि ये जब एक्नॉलेजमेंट आएगी तब सर्वर को कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ जी क्लाइंट भी हाँ भर चुका है रिश्ते के लिए। ठीक है, सर्वर ने हाँ भर दिया, देखो क्लाइंट ने बोला मैं आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, सर्वर उसको हाँ भर चुका है, किसमें, रिप्लाई पैकेट में। अब सर्वर अगर हाँ भर चुका है तो क्लाइंट को तो कंफर्मेशन हो चुकी है कि ठीक है मेरा तो कनेक्शन बन चुका है, मेरा तो फ्री हूं, मैं तो डेटा सेंड करूंगा। लेकिन सर्वर को अभी कंफर्मेशन नहीं मिली, सर्वर ने अभी रिश्ते बनाने की बात करी है। जब तक क्लाइंट हाँ नहीं भरेगा, हाँ मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा, तब तक सर्वर डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट आने के बाद सर्वर डेटा सेंड कर सकता है, उससे पहले सर्वर डेटा सेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्लाइंट क्योंकि हाँ भर चुका है सर्वर, तो क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट पैकेट में डेटा सेंड कर सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो रिक्वेस्ट पैकेट, रिप्लाई पैकेट में कोई डेटा सेंड नहीं होता, एक्नॉलेजमेंट पैकेट में ऑप्शनल है, क्लाइंट डेटा सेंड करना चाहे तो उसको रोक नहीं रहा, वो भेज सकता है। ठीक है जी, चलो अब हम पॉइंट पढ़ते हैं। देखो भाई, अनलाइक रिक्वेस्ट पैकेट एंड रिप्लाई पैकेट, एसीके पैकेट कैन कंटेन डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड बिकॉज सर्वर हैज सेंट एसीके फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट इन रिप्लाई पैकेट itself, hence connection has been established from client to server side, so nothing is stopping client to send data to server. I think पकड़ गया होगा आप point, बार बार बोलूंगा तो time waste होगा, मैंने अभी सारा आपको explain कर दिया था ये। ठीक है जी, okay जी, तो आप देखो for, लेकिन हम assume करेंगे कि यहाँ पे data नहीं जा रहा, ये सिर्फ pure acknowledgement है। ठीक है, तो डिटेल एनालिसिस के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, फॉर डिटेल एनालिसिस वी विल, है ना, फॉर डिटेल एनालिसिस वी विल अज्यूम दैट क्लाइंट हैज नॉट सेंड डेटा इन एसीके पैकेट। ठीक है, क्लाइंट ने कोई डेटा सेंड नहीं किया एसीके पैकेट के अंदर, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है जी, ओके, नाउ सिंस एसीके पैकेट इज प्योर एक्नॉलेजमेंट ओनली, सो इट विल नॉट कंज्यूम एनी सीक्वेंस नंबर। ये बात ध्यान रखनी है भाई, प्योर एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो होता है उसमें कोई सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो, अगर डेटा जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है सीक्वेंस नंबर हमारे पास बाइट नंबर जाएंगे तो सीक्वेंस नंबर हमारा वहां पे कंज्यूम होना ही होना है। लेकिन अगर हमारे पास प्योर एक्नॉलेजमेंट जा रही है उस केस में कहीं कोई सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होने वाला। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो सीक्वेंस नंबर 1001 गया था ना, यहाँ से सीक्वेंस क्लाइंट ने सर्वर के पास सीक्वेंस नंबर 1001 करके भेजा था, तो अब जब डेटा ट्रांसफर फेज शुरू होगा वहां पे सीक्वेंस नंबर 1001 ही जाएगा, क्यों, उसको हम रीयूज करेंगे।
क्यों रीयूज करेंगे? क्योंकि जब एक्नोलेजमेंट पैकेट होता है, प्योर एक्नोलेजमेंट पैकेट होता है, उसमें कोई सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता, उसको कोई डेटा ही नहीं गया, डेटा नहीं गया तो फिर सीक्वेंस नंबर कैसे कंज्यूम होगा? आई थिंक समझ गए होगा आप लोग, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। तो जब ये प्योर एक्नोलेजमेंट जाती है उसमें कोई सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता, ठीक है? सो प्योर एक्नोलेजमेंट नो सीक्वेंस नंबर इज कंज्यूम, प्योर एसी के नो सीक्वेंस नंबर इज कंज्यूम, नो सीक्वेंस नंबर इज कंज्यूम, ठीक है? आई थिंक हो गया होगा क्लियर सब लोगों को, मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो आओ अब अपनी बात पे आओ, ठीक है जी। तो अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक स्क्रीन पे मैंने सारा कर दिया, आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अब हम आपको थोड़ी सी समरी में समझाते हैं चीजें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो भाई, अगर सिन फ्लैग 1 है और एसी के फ्लैग 0 है, इसका मतलब क्या है भाई? मैंने आपको बताया था एसी के फ्लैग हमेशा 1 चलता है, एसी के फ्लैग 0 नहीं होता है ना। जब भी हम लोग अपना पैकेट सेंड कर रहे हैं, सिर्फ पहले पैकेट में एसी के फ्लैग 0 है, बाकी हर जगह 1 है। और एसी के फ्लैग 0 रखने का पहले पैकेट में कारण भी है, अभी किस बात की एक्नॉलेजमेंट, जब कुछ आया नहीं तो एक्नॉलेजमेंट किस बात की? अभी सिर्फ कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है ना, अभी तो शुरू हो रहा है सारा काम, इसलिए उस केस में एसी के 0 है, अदरवाइज वो 1 चलता रहेगा, ठीक है? जो सिन फ्लैग हमारा सेट है 1 से, इसका मतलब क्या है? ये है जी रिक्वेस्ट पैकेट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो रिक्वेस्ट पैकेट में है ना, जो मैंने आपको सारे डिटेल अभी समझा दिया, रिक्वेस्ट पैकेट में सिन फ्लैग 1 था और एसी के 0, ठीक है जी। अब देखो भाई, सिन फ्लैग भी 1 है और एसी के भी 1 है, तो उसका मतलब ये क्या है जी? ये रिप्लाई पैकेट है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में सारा काम चल रहा है, तो रिक्वेस्ट पैकेट में सिन फ्लैग 1 होगा, एसी के फ्लैग 0 होगा, और रिप्लाई पैकेट में सिन फ्लैग 1 होगा, एसी के फ्लैग भी 1 होगा। सिन फ्लैग 1 है तो इसका मतलब कनेक्शन बनाया जा रहा है, एसी के 1 है इसका मतलब जो पुराना कनेक्शन की रिक्वेस्ट है ये उसको वो एक्नोलेज कर रहा है, तो उसका मतलब ये क्लाइंट, ये सर्वर से क्लाइंट की तरफ जा रहा है। ये पैकेट कहां से कहां जा रहा है? क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है, कनेक्शन रिक्वेस्ट पैकेट है, और ये सर्वर से क्लाइंट की तरफ पैकेट आ रहा है जो कि रिप्लाई पैकेट है, उसमें ये कहानी हो रही है। उसके बाद देखो भाई, सिन फ्लैग 0 है और एसी के फ्लैग हमारे पास 1 है, सिन फ्लैग 0 और एसी के 1 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एसी के पैकेट की कहानी है। ये एसी के पैकेट जो भी मैंने आपको दिखाया था उसमें सिन फ्लैग तो सेट क्यों होगा भाई? रिश्ता बन चुका है तो बार बार थोड़ी वो बोलता रहेगा कि मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, एंड सॉन्ग बात बन चुकी है ना भाई। ये देखो भाई आराम से देखो, मैंने क्या यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे क्या मैंने आपको बोला है कि सिन फ्लैग सेट होगा? नहीं है ना। पहली बार सिन फ्लैग का मतलब क्या भाई? सिंक्रोनाइज द सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर को सिंक्रोनाइज करने के लिए। सिंक्रोनाइज मतलब एक दूसरे को समझा रहे सीक्वेंस नंबर मेरे क्या है, मतलब मेरा क्या और मेरा क्या है। क्लाइंट बता रहा है सर्वर को कि मेरा सीक्वेंस नंबर ये है, तो इसलिए क्लाइंट सर्वर को बता रहा था ना जैसे सिन फ्लैग सेट होकर गया था। अब सर्वर भी बता रहा था क्लाइंट को कि मेरा सीक्वेंस नंबर ये है, तो इसलिए सिन फ्लैग सेट होकर गया था। अब एक दूसरे को अपने सीक्वेंस नंबर बता चुके हैं, तो फिर क्यों बार बार सिन फ्लैग सेट होकर जाए? आई थिंक समझ लोगे, सिंक्रोनाइज द सीक्वेंस नंबर है ये, तो सीक्वेंस नंबर सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, तो बार बार ये सेट होकर नहीं जाएगा, तो एक्नोलेजमेंट फ्लैग में एक्नोलेजमेंट पैकेट में सिन फ्लैग सेट करके हमने नहीं भेजा था, ठीक है जी। उसका मतलब क्या हुआ? ये एक्नोलेजमेंट पैकेट की कहानी है, और आगे चल के जब मैं आपको डेटा ट्रांसफर दिखा रहा हूँ वहां पे भी यही कहानी चलेगी, ठीक है जी। तो एसी के पैकेट भी हो सकता है और डेटा पैकेट भी हो सकता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जब नॉर्मल डेटा ट्रांसफर होगा तो उसमें सिन फ्लैग सेट होकर क्यों जाएगा, बट एसी के फ्लैग सेट होकर जाएगा जाएगा, क्योंकि हम एसी के तो हमेशा बंद करके भेजते हैं, है ना, क्योंकि पुराना जो डेटा आया होगा उसके एक्नोलेजमेंट तो करनी करनी है, ठीक है जी। तो एसी के पैकेट भी हो सकता है और ये डेटा पैकेट भी हो सकता है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है जी। और ये 0-0 का केस, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि दिस इज इम्पॉसिबल एंड सॉन, बहुत जगह मैंने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा वो लोग मतलब ठीक तरीके से नहीं समझाते हैं। ये एक्चुअली पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा? देखो ये एक्चुअली जब आरएसटी फ्लैग सेट होता है ना, उस केस में ये कहानी चल सकती है, ठीक है। मतलब दिस इज पॉसिबल कि सिन फ्लैग 0 और एसी के फ्लैग भी 0 हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा? जब हम देखो रीसेट करना चाह रहे हैं कनेक्शन, जैसे सपोज करो ये क्लाइंट है ये सर्वर है, ठीक है। अब क्लाइंट ने सर्वर के पास यू कैन से एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट करी, और क्लाइंट को पता लग गया कि सर्वर ने ना बहुत सारा, मतलब क्लाइंट बहुत सारे डेटा सर्वर के पास भेजना चाहता था। जैसे सपोज कर लो सॉर्टिंग करवाना है, मतलब यू कैन से डेटा को सॉर्ट करवाना है, तो क्लाइंट सर्वर के पास बहुत सारे डेटा भेजेगा ना जो कि उसको सॉर्ट करवाना होगा, है ना। सपोज कर लो मल्टीपल जीबीज में डेटा था, ठीक है, बहुत सारा डेटा था जो कि क्लाइंट को सर्वर के पास भेजना था। अब क्लाइंट लगा, अब कनेक्शन बन चुका है, रिज्यूम करें हम लोग, कनेक्शन बन चुका है, तो डेटा ट्रांसफर फेज आ चुका है और क्लाइंट सर्वर के पास डेटा भेजता ही जा रहा है, भेजता ही जा रहा है, ठीक है। अलग अलग सीक्वेंस नंबर भेजता चला जा रहा है और सर्वर उसके एक्नॉलेजमेंट करता चला जा रहा है, ठीक है जी। अब सपोज करो बीच में सर्वर डाउन हो गया, अब जब दोबारा से सर्वर आएगा, दोबारा से रीबूट होएगा, तो उसको क्या पता अभी क्लाइंट से क्या डेटा आ रहा था क्या नहीं आ रहा था, वो तो कहेगा पता नहीं क्या हो रहा है अभी, और क्लाइंट तो दबादब डेटा भेजता चला जा रहा है इसके पास। सर्वर बोलेगा रुक जाओ भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है। तो ये आरएसटी फ्लैग सेट करके भेजेगा डेटा पैकेट में,
कि रुक कनेक्शन को रिसेट करो, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अब रिसेट कर दिया इसने कनेक्शन को, रिसेट फ्लैग सेट करके भेजा है, तो ऑब्वियस ही बात है इस केस में सिन फ्लैग तो जीरो ही होगा ना भाई, कनेक्शन बना थोड़ी रहा है, ये तो रीसेट करना चाह रहा है कनेक्शन को, तो उस टाइम पे सिन फ्लैग वन नहीं होगा, उस टाइम पे सिन फ्लैग जीरो होगा, क्योंकि वन कब होगा जब कनेक्शन बनाया जा रहा हो, कनेक्शन तो बन नहीं रहा। अच्छा, एसी के फ्लैग भी इस टाइम पे जीरो होगा, ये भी बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। एसी के फ्लैग जीरो क्यों होगा, एसी के का है कि भाई सर्वर ने कुछ डेटा एक्सेप्ट थोड़ी किया, एसी के का मतलब क्या होता है, हाँ भरना, की हाँ जी मैंने आपका डेटा एक्सेप्ट कर लिया, जो भी आपने बात करी मैं आपकी बात मान रहा हूँ, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ना। आप किसी को एक्नॉलेज करते हो, इसका मतलब क्या है, किसी ने आपसे कुछ रिक्वेस्ट करी तो आप उसकी बात मान रहे हो, तब आप उसको एक्नॉलेज करते हो। तो अब सर्वर एक्नॉलेज क्यों करेगा डेटा को, ये तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, सर्वर तो बिल्कुल ब्लैंक हुआ बैठा है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा क्लाइंट इतना सारा कहाँ से क्या डेटा भेजने चला जा रहा है भाई, तो उसको तो सारा गार्बेज लगेगा, कुछ लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। तो सर्वर कहता है रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, तो वो रिसेट कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो रिसेट इज इक्वल टू वन सेट करके भेजेगा वो क्लाइंट के पास, कि रुक जाओ भाई मैं अभी कुछ नहीं एक्सेप्ट करने वाला आपकी बातों को, ठीक है जी, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो सिन फ्लैग भी जीरो होगा और एसी के फ्लैग भी जीरो होगा जब हम इस टाइप से कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है। और डिटेल हम आगे दिखाएंगे आपको जब रिसेट फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे, हैंड्स ऑन। याद रखना है आपको सिन फ्लैग और एसी के फ्लैग दोनों जीरो भी हो सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एसी के हमेशा वन ही होगा, है ना। तो जब प्रॉपर नॉर्मल कनेक्शन चल रहा होता है, जब नॉर्मल सारा काम चल रहा होता है, उस केस में सिर्फ पहले पैकेट में एसी के फ्लैग जीरो होगा, बाकी हर एक पैकेट में एसी के वन होगा, हर एक पैकेट में। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, देखो एक फेज तो मैंने आपको दिखा दिया कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने कनेक्शन डेटा ट्रांसफर देखना है और कनेक्शन टर्मिनेशन देखना है। तो नॉर्मल अगर सब कुछ काम चल रहा है तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ फर्स्ट पैकेट में एसी के फ्लैग हमारा जीरो था, बाकी हर एक देख लो, तीन तीन हमारे हमारे पास पैकेट थे ना भाई, तो पहले पैकेट में एसी के जीरो था, बाकी दोनों पैकेट में तो हमारा एसी के वन था ना। आगे डेटा ट्रांसफर में भी हम देखेंगे हर एक पैकेट में एसी के फ्लैग वन होगा, और कनेक्शन टर्मिनेशन में भी देखेंगे वहां पे भी एसी के वन होगा। आई थिंक आप समझ चुके हो, तो सिर्फ फर्स्ट पैकेट में ये टेंशन नहीं कि एसी के जीरो था, बाकी हर पैकेट में एसी के वन जाता है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्मल ऑपरेशन नहीं चलता है, अगर कोई अब नॉर्मल ऑपरेशन होगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, तो जीरो जीरो इज पॉसिबल, ओके ठीक है जी। और एसी के हमेशा वन चलेगा जब नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, और सिर्फ एक्सेप्ट फर्स्ट पैकेट जो रिक्वेस्ट पैकेट था उसमें एसी के जीरो था, बाकी हर जगह वन चलता रहेगा नॉर्मल ऑपरेशन में। अगर कुछ अब नॉर्मल काम हो रहा होगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है, एसी के जीरो जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट समरी, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, नो डाउट हमने काफी टाइम लगाया, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हमने एक एक बात को पढ़ा है, समझा है, पूरी डिटेल में हमने चीजों को देखा है, इसलिए हमने टाइम लगाया है। चाहते तो 10-15 मिनट में सारा कुछ बोल के खत्म भी कर सकता था, बट मैंने इस टाइम से नहीं किया, एक एक बात मैंने आपको समझाई है और प्रॉपर नोट्स के साथ चीजें आपको क्लियर करेगी, ठीक है जी, ओके जी। तो दैट्स इट, तो रिक्वेस्ट पैकेट आपने नोट डाउन कर लिया, रिप्लाई पैकेट नोट डाउन कर लिया, एसी के पैकेट आपने नोट डाउन कर लिया, विद पॉइंट्स विद नोट्स मैंने आपको एक एक बात समझा दी है, चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो इतना रखते हैं इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और डेटा ट्रांसफर फेज की कहानी करेंगे, ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।